पोहरी नगर में पीएम के नमो नव मतदाता सम्मेलन के लाइव प्रसारण का हुआ आयोजन। पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ मौजूद रहे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर पोहरी विधानसभा क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्कूल परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राजखेड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र धाकड़ चकराना सहित अन्य कार्यकर्ता व नव मतदाता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने नव मतदाताओं से मतदान संबंधी जानकारी दी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा मतदाता दिवस के उपलक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो पहले ये है कि आज क्या है, नव मतदाता दिवस है। इस उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष में युवा मोर्चा के द्वारा नव मतदाता को जागरूक करना और आने वाले इस चुनाव में नव मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष एवं हमारे मध्य प्रदेश में हमारे युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के मार्गदर्शन में एवं हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय नवनीत सेन जी के मार्गदर्शन में आज हमने पोहरी विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सभी युवाओं को जागरूक करना और लोकसभा चुनाव में युवा मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे स्वामी विवेकानंद स्कूल में किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठकेरा जी उपस्थित रहे एवं हमारे मंडल अध्यक्ष जी उपस्थित रहे और हमारी युवा मोर्चा की सारी टीम उपस्थित रही।